आपसे मॉडल थोड़ी कराएंगे, मॉडल तो आप हूं। तो पाकिस्तान के एम्बेसडर के तौर पे वहाँ जाएंगे, सबका दिल खुश। मैंने मॉडलिंग की है, नमक का पैकेट नहीं देखा आईडी में, उस पे मेरी तस्वीर है, नीचे लिखा नमक हराम। अच्छा जी, यहाँ पे लेनी है हमें एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, हमने जाना कहीं नहीं है। इसकी क्या वजह है? एक्चुअली इसकी वजह ये होती है कि हवा के लिए रखा है। नहीं, हवा के लिए, हवा लगती है उसके आवाज बाख्ता करने के लिए। इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं? एक्चुअली बात ये होती है कि यू नो व्हेन यू डिजाइनिंग सो दे कैन गेट अवे विद अ लॉट ऑफ क्रेजीनेस एंड जस्ट से कि जी क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी जो है वही इस प्रोग्राम का बेसिक कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि जो आप तस्वीर देखते हैं या क्लिप्स देखते हैं उसमें भी क्रिएटिविटी होती है। और अभी एक इसी तरह की एक क्रिएटिव क्लिप मैं आपको दिखाने लगा हूं। चलते हैं अपने कॉरेस्पॉन्डेंट के पास और देखते हैं कि इस वक्त अरशद हमें क्या दिखा रहे हैं, कहां पे मौजूद हैं और ओवर टू यू अरशद। जी फरूक, आज हम आपके प्रोग्राम ये क्या है में आपको मुल्तान की सैर कराएंगे और आपको एक ऐसी चीज दिखाएंगे जो आपने यकीनन पहले कभी नहीं देखी होगी। हम सुबह से इस गर्मी में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और दिखाना चाह रहे हैं कोई ऐसी चीज हमें मिल जाए जो आपने कहीं ना देखी हो, आपने और आपके गेस्ट ने भी कभी ना देखी हो। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ, उसको आप देखें और बताएं कि ये क्या है। ये आपने देखा है, सखावत क्या है? ये मेरा ख्याल कोई बकरे दे खाने वाली डिश है। कुनाली पई हुई है ते नाल विच पट्ठे पाए ने उते थोड़े जे घा ते जरा उते थोड़े जे घा। अच्छा अच्छा, नींबू भी नजर आ रहे हैं ना तुम? अच्छा अच्छा, वो भी उस पे फेंकते हैं। अच्छा, असल च ये जरा लाडला बकरा सी ना, हां ओनु मालिक रोज 100 रुपया देंदा सी कि भाई आपे जो बारो खाना खा ले। अच्छा, ऐसे क्यों पैसे नहीं देते ते आप डिश ले आके देती? क्या बात है, स्पेशल बकरे के लिए। वसी यार, ये लग ही रहा है कि ना नीचे को पराठा टाइप को चीज है। अच्छा, और ऊपर उसके ये को सैलेड की ड्रेसिंग तो इट कुड बी। हां, कुछ ऐसी ड्रेसिंग की हुई है, यानी पिज्जे को दबाने की कोशिश की। वो जो सलाद का पता नहीं होता लेट्स, उसका वो जिसको चॉप करके उसके ऊपर लेयरिंग की हुई है। क्रिएटिव चीज है ये, क्रिएटिव है। और जो नीचे मुझे इस एंगल से तो लग रहा है कि जैसे कोई रोटी टाइप पड़ी है, बट वहां से कुछ कढ़ाई टाइप लग रही है। बिल्कुल सही कह रही है वो, इट्स लाइक अ मिक्सचर मे बी, खाने की चीज है, लेयरिंग की हुई है। जैसे सोबत होती है हमारे गाँव में बनती है, सोबत। अच्छा जी, वो भी पतली तरीन फुलका होता है, बड़ी सी रोटी बनती है, उसको डबल करके ना ऐसे एक ऐसी एक डिश में या परात में ये खान फैमिली वाले जी। हां, खान तो इतनी इतनी बड़ी रोटी बनाते हैं, हमारे गांव में वाकई वैसा बनता है। आप उसको तीन दफा डबल करके काफी लोग को खाना खिला सकते हैं, आपको आना चाहिए, वैसे आप वापस नहीं आएंगे। एक रोटी की कमीज बन जाती है, इतनी बड़ी खा के पा के फिर रहे, उनके कॉलर ला के खा रहे। खराब हो जाएगा खाना। अच्छा जी, चले देखते हैं। वसी के ख्याल में ये कोई पिज्जा टाइप चीज है, और आपके ख्याल में एक बकरे के और आपके ख्याल में ये इट्स काइंड ऑफ लाइक, मैंने जैसे बोला कि मुझे लग रहा है कुछ रोटी भी हो और एक तरफ वो खाने की ले रही है, जैसे हैंडी टाइप हो। वो जो आपने नाम बताया वो सोबत, सोबत नाम जो आपके गांव में हमारे गांव की स्पेशल। आइए जनाब, इसकी थोड़ी सी कोई हिंट लेते हैं और जानते हैं कि ये क्या है, कि कंफ्यूजन है थोड़ी सी यहाँ पे। ओवर टू यू अरशद। कर दिया इसने वैसे। फरूख भाई, सहावत भाई बहुत शरारती हैं, ये कोई बकरे के खाने की चीज नहीं है, ये इंसानों के खाने की चीज है। हाँ, आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ कि ये एक डिश है, अब आप मुझे बताएं कि ये क्या है। डिश तो मैं पहले भी यही तो मैं कह रहा था, ये डिश है कोई, लेकिन डिश का नाम क्या है मुझे नहीं पता चल रहा। अच्छा जी, ये तो पता चल गया कि ये एक डिश है, तो सखावत तुम्हारी डिश बकरों के खाने की नहीं है, ये इंसानों के खाने की है। आपकी ऑप्शन अभी तक वैलिड है, पिज्जा वाली, और आपकी आई स्टिल गो विद व्हाट आई सेड। आपने कहा आपके गांव वाली सोबत, सोबत नहीं हो सकती क्योंकि वो डेरा इस्माइल खान की एक स्पेशलिटी है, बट सिंस इट्स इन मुल्तान, मुल्तान ही का था, तो ये हो सकता है कि मिक्सचर हो सकता है, कुछ रोटी नजर आ रही है। ये हमारा भाई जो बहुत आवारा है, हो सकता है उधर ही घूम रहा हो, उसने वहां से लेके चला गया। अच्छा जी, बाद में पता चलेगा ये खुद बेचता है। चलते हैं वापस अरशद के पास और जानते हैं ये एक्चुअली ये क्या है। आ रहा है, बावजूद भी आप नहीं बता सके कि ये क्या है, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता देता हूँ अब कि ये एक डेरा इस्माइल हाँ की डिश है जिसको हम सोबत कहते हैं, और ये मुल्तान में भी बहुत मशहूर है। मुल्तान में अक्सर
इसी डिश से किया जाता है। इस डिश की सबसे ज्यादा खास बात ये है कि ये आपको कहीं इर्द गिर्द से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ये किसी रेस्टोरेंट से मिलती है, ये स्पेशली घर में बनती है और ये एक परात में होती है और इसमें 5 से 6 लोग खाते हैं, क्योंकि इसका नाम सोहबत है, इसके नाम से ही अंदाजा होता है कि इसके खाने से भाईचारा और मोहब्बत बढ़ती है। लो भाई, हम तीनों मिलके ना सारा के हाथ पे बैत कर लेंगे, क्या मुरीद मुरीद बन जाएंगे, क्या बात है सारा भाई, इतनी इंटेलिजेंस और सारी इंटेलिजेंस आज इस प्रोग्राम में शो कर, अपनी जहालत का एहसास हो रहा है। आप डिजाइनर हैं या होटल वगैरह भी करते हैं? नहीं भाई, इसमें क्या क्या डलता है भाई, क्या डिश में क्या? इसमें धमाल डलती है और इसमें शोर डलता है और इसमें चटनी डलती है। इंग्रेडिएंट्स एक्चुअली बेसिकली ये होता है कि बहुत ही थिन बड़ी साइज की फुलका जैसे रोटी होती है, चपाती बनाई जाती है और परात लेके उसमें रोटी को रख देते हैं, उसके अंदर ये चिकन का या मटन का या बीफ का बहुत पतला पानी जैसा शोरबा बनता है। ओके। उससे इस पहले एक लेयर बनती है जैसे पिज्जा में लेयर्स होती हैं, उसके ऊपर सालन डालते हैं, फिर एक और चपाती रखते हैं, फिर सालन डालते हैं एंड देन यू मतलब डक इट अप, पूरा भर देते हैं, ड्रेसिंग करते हैं सैलेड जी, नहीं पहले पूरा भर के फिर सोक कर देते हैं, फिर जस्ट बिफोर डिनर या लंच जिस वक्त खाना होता है उससे पहले सर्व करते हैं ऊपर सैलेड ड्रेसिंग करके। 4 फ्लोर बन जाते हैं जी, बिल्कुल 4-5 फ्लोर बन जाते हैं। मील है या एपेटाइजर है? नहीं जी, इट्स अ मील, इट्स वेरी हैवी, अगर आप खाएं तो खिचड़ी, कुछ लोगों के लिए एपेटाइजर भी होता है। नहीं नहीं, इट्स वेरी नाइस, आप कभी आपके शो पे अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह। सखावत, आप फिर अगले शो में आइए। और लेके अब जो जब आपको किसी सवाल का जवाब न मिल रहा होगा तो कॉल सारा, मेरे सामने ऑप्शन रख दो, कॉल अ फ्रेंड की तरह, एक सेगमेंट बढ़ाएं इसमें आप। हां, बट सारा अमेजिंग यार, मैं यू शुड क्लैप फॉर यू फॉर योर इंटेलिजेंस। डिजाइनर होने के साथ साथ ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट डिजाइनर है। थैंक यू। डिजाइनर बेवकूफ होंगे? नहीं बेवकूफ नहीं है, लेकिन डिफरेंट होते हैं। खाने देख लो, मैंने आपको अच्छा भला समझाया था, आप नहीं समझते। खाने पीने से डिजाइनर मैं फिर तो चाहिए काम चालू होता है। आप डिजाइनर को मुझे बता दें कुछ तरह का डिजाइनर जो अच्छा शेफ भी हो, बताए मुझे आप। हाँ, मैं कढ़ाई बहुत अच्छी बनाती हूँ और पास्ता भी। मैं उसको कुंडे बहुत अच्छे लगाता हूँ। अच्छा जी, वसी शाह हो और हम उनका कलाम ना सुने ये मुमकिन नहीं है। आई एम श्योर कि इसके बहुत से फैंस इस वक्त जो प्रोग्राम देख रहे होंगे वो इंतजार कर रहे होंगे कि हमारी बातें खत्म हो और इसका कलाम आए। तो वसी, कुछ ताज़ा कलाम सुनाए यार। मैं आपको सुना देता हूँ। अच्छा, मैं एक गजल सुना देता हूँ, उससे पहले बिल्कुल ताज़ा 2 शेर हैं वो सुना के। अच्छा, अज़ियत कम नहीं होती, अज़ियत कम नहीं होती, मोहब्बत कम नहीं होती, जो पूरी हो भी जाए तो जरूरत कम नहीं होती। जो पूरी हो भी जाए तो जरूरत कम नहीं होती। और बांध लें हाथ पे सीने पे सजा लें तुमको, बांध लें हाथ पे सीने पे सजा लें तुमको, जी में आता है कि तावीज बना लें तुमको, फिर तुम्हें रोज संवारें तुम्हें बढ़ता देखें, फिर तुम्हें रोज संवारें तुम्हें बढ़ता देखें, क्यों ना आंगन में चमेली सा लगा ले तुमको। कुछ कहना इसे आते रहे, बहुत ज्यादा बना ले तुमको। मैं हाजिर हूँ शाहजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। प्रेरित भाई, शाहजी ने एक और रिकॉर्डिंग भी जाना था, हमने अगवा किया और इधर लेके आया और अपने वहां पे जाने, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा अगवा है जिसमें मगवी खुश हुआ। सिखावत, तुम्हारा शुक्रिया नहीं मैं अदा करूंगा, तुम तो इधर ही। मैंने नगद ही दे देना। अच्छा ठीक है, खवातीन आज़ाद, इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते आपसे एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए फारूक हसन को इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।